कर्णाटक गस्तरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्राय 16,000 कोटी टंकार विभिन्न योजनार हेब लोकार्पण और शिलान्यास। हुबली धारवाड़ गस्त कर विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन करिबार कार्यक्रम रही। निर्वाचन मंडल में से विश्वर दीर्घतम रेल प्लाटफर्म को राष्ट्र उद्देश्य उत्सर्ग करते। निकट में यह गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड में स्थान मिली। प्राय 20 कोटी टंका व्यय 1507 मीटर लंबर यह प्लाटफर्म निर्माण कर। श्री सिद्ध रुधा स्वामीजी हुबली स्टेशन में विश्वर सबुठ लंबा प्लाटफर्म निर्माण करपर। बेंगालुरु मैसूर एक्सप्रेस वे उद्घाटन करेंगे मोदी। 118 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट में खर्च हो 8,480 कोटी टंका। एक्सप्रेस वे फल बेंगालुरु मैसूर को 3 घंटा बदल 75 मिनिट्रे जात्रा करहेबो। यहापर मैसूर खुशलनगर 4 लेन विशिष्ट हाइवे भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे प्रधानमंत्री। 92 किलोमीटर लंब यह प्रोजेक्ट में खर्च हो प्राय 4,113 कोटी टंका। मैसूर खुशलनगर जावाप 5 घंटा समय लगुवा बेले हाइवे होगा मात्र 2.5 घंटे पहुंची। लागू किए जा रहे हैं उसके तहत हुबली एक वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर तैयार होगी। देखिए जैसे जैसे बड़े बड़े शहरों पर इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव बढ़ रहा है तो ये टू टीयर सिटीज जैसे हुबली धारवाड़ बेलगाम मांडिया ये तमाम जो टू टीयर सिटीज हैं इन सिटीज पर अब इन सिटीज में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं देकर अब इन सिटीज को डेवलप करना होगा ताकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो बड़े शहरों पर जैसे बैंगलोर पर दबाव है तो ये तमाम एक्टिविटीज जो है धीरे धीरे इन टीयर टू सिटीज पर टू सिटीज जा सके। तो यही वजह है कि इन सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर सुविधाएं कनेक्टिविटी और एजुकेशनल फैसिलिटीज देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को डबल इंजन सरकार का जो एक कर्नाटक के लोगों में एक नारा है डबल इंजन सरकार के जरिए विकास इसको जमीनी हकीकत बना रहे हैं। और ये जो है आज प्रधानमंत्री की तरफ से जो सौगात है हुबली के लोगों के लिए और मैसूर बैंगलोर मैसूर कर्नाटक को ये बड़ा भेटी। वर्तमान जो लोकार्पण कार्यक्रम रही जो शिलान्यास कार्यक्रम रही वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही गस्त रही विराट रोड शो माध्यम वर्तमान समस्त लोकों सेठे उपस्थित जो मैंने स्थानीय बासिंदा रही समस्त को वर्तमान संबर्धित वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगेट जाठारे विशाल रोड शो चली कि आई समय पर ही ये बड़ योजना बड़ प्रोजेक्टर शिलान्यास लोकार्पण रही। हुबली धारवाड़ गस्त कर विभिन्न प्रकल्पर ये हूँ उद्घाटन करार जहाँ आज कार्यक्रम रही राष्ट्र उद्देश्य आज उत्सर्ग करेंगे पूरा ये प्लाटफर्म को जहाँकि कह हूँ विश्वर दीर्घतम रेल प्लाटफर्म जहाँ को राष्ट्र उद्देश्य उत्सर्ग करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। आउ कि समय पर ही कार्यक्रम रही निकट में यह गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड में स्थान मिली। किंतु वर्तमान आम आपको सीधा सड़क चित्र देखाऊ सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर बहु बीजेपी समर्थित स्थानीय बासिंदा उपस्थित अच्छा पूरा सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर प्रधानमंत्री वर्तमान समस्त को हाथ हलाई किभली समस्त को अभिवादन जनाव सेठे विशाल कार्यक्रम रही कि समय पर ही लोकार्पण हो शिलान्यास कार्यक्रम रही जहाँ सीधासख चित्र आम आपको देखाऊ वर्तमान हुबली गस्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हूँ कर्णाटक गोटे बड़ भेटी डबल इंजन सरकार जो कथा कह जाए ये हूँ विशाल रोड शो जहाँ चित्र आम आपको सीधासख देखाऊ प्राय 20 कोटी टंका व्यय 1507 मीटर लंबर यह प्लाटफर्म को निर्माण कर आज जहाँ लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पखापाखि 118 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट में खर्च हो 8,480 कोटी टंका। एक्सप्रेस वे फल बेंगालुरु मैसूर को 3 घंटा आगु लगुला किंतु वर्तमान मात्र 75 मिनिट्रे यात्रा करहेब। यहापर मैसूर खुशलनगर 4 लेन विशिष्ट हाइवे भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे प्रधानमंत्री। 92 किलोमीटर लंब यह प्रोजेक्ट में खर्च हो प्राय 4,130 कोटी टंका।
मैसूर रु कुशलनगर जावाई पांच घंटा आगर समय लगुला किंतु ए हाइवे हेबापर मात्र अढ़े घंटे पहुंचे जार सीधासख आम चित्र आम आपको देखाऊ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ये विशाल रोड शो कर्णाटक को गोटे बड़ भेटी आउ किछि समय पर ही विभिन्न योजनार लोकार्पण हेबो विभिन्न योजनार शिलान्यास करिबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हाई सिक्युरिटी व्यवस्था मध्यरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्तमान जाउछन्ति एवं जहाँ कार्यक्रम रहिछि हुगली धारवाड़ गस्त करी विभिन्न प्रकल्पर जहाँ उद्घाटन करिबार ये कार्यक्रम आज निर्वाचन मंडल में विश्वर दीर्घतम रेल प्लाटफर्म को राष्ट्र उद्देश्य उत्सर्ग करिबे आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आउ किछि समय व्यवधान रही है किसी समय पर ही ए लोकार्पण कार्यक्रम आरंभ किंतु वर्तमान सीधासख आम आपको चित्र देखाऊ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रोड शो उन्हें अब ज्यादा कर्ज पर डिपेंड नहीं करना होता। देखिए इस क्षेत्र में किसान पहले ज्यादा कर्ज के बोझ में दबे रहते थे और यही वजह थी कि यहाँ पर लगातार आत्महत्याओं का सिलसिला होता रहा, लेकिन अब ये नजर नहीं आता। मंडिया की हालत बदली है, कर्नाटक में किसान कहीं आत्महत्या करते हुए कोई खबर सामने नहीं आती, क्योंकि किसानों के पास जरिया है, किसानों के पास अपनी आय को अपनी जो इनकम है उसे डबल करने के कई जरिए हैं। अब किसानों के लिए मिलेट्स के जरिए अपनी आय और अपनी जो प्रोडक्ट है उसे बढ़ावा उसको डबल करने की किसानों के पास उसका जरिया है। मंडिया क्षेत्र जो है रागी के लिए जाना जाता है, ये मिलेट का सबसे अहम क्रॉप है रागी, और यहाँ पर किसान रागी के जरिए कैसे अब जिस तरह से केंद्र सरकार मिलेट को बढ़ावा दे रही है और सरकार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रही है, ऐसे में मंडिया के किसानों के लिए कई इनकम के सोर्सेज हैं, कई जरिए हैं, और मंडिया के किसान भी अब रागी को महज यहाँ का साधारण लोकल फूड के अलावा अब इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अलग अलग तरीके से पेश करने के लिए किसान तैयारी कर रहे हैं। तो मिलेट्स के जरिए मंडिया के किसानों के लिए बहुत अहम बाजार खुल रहा है, तो ये उनको एम्पावर कर रहा है। और उसके अलावा जो जो कर्नाटक सरकार है, कर्नाटक सरकार ने भी यहाँ के किसानों को लोन जो लोन कर्ज के तरह दबे रहते थे, किसान ने एक कानून पारित किया था और कहा था कि किसानों को एक फिक्स परसेंटेज के तहत लोन दिया जाए और उन पर ज्यादा दबाव ना डाला जाए, तो उसके बाद किसानों में ये जो परेशानी थी वो भी कम हो गई है। और इसके साथ साथ किसानों के लिए जो अब इस सड़क के जरिए किसानों के लिए अपने उत्पाद अपने शुगर केन जो क्रॉप है उसको फैक्ट्रियों तक कारखानों तक पहुंचाने के लिए अब किसानों को ज्यादा वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा, ये भी एक अहम है। और इसके जरिए किसान तेज गति से अपना जो प्रोड्यूस है, अपना जो क्रॉप कारखानों तक पहुंचाते हैं उसको उसे भी इस सड़क के जरिए बल किसानों को बल मिल सकता है। तो किसानों की अगर हम बात करें तो मंडिया वो शहर है, मंडिया वो क्षेत्र है जहां पर किसानों की अगर खुशहाली है तो ये माना जा सकता है कि इस पूरे क्षेत्र में खुशहाली आ सकती है। तो ये अहम बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को एम्पावर करने के लिए जो कोशिशें करते रहे मंडिया के किसानों तक ये तमाम कोशिशें पहुंचती रही है। बिल्कुल इस वक्त हम देख सकते हैं किस तरह से आम आपको स्क्रीन माध्यम रे दुईटे दृश्य देखाऊ गोटे पटे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशाल रोड शो कर्णाटक को आउ किछि समय पर ही गोटे बड़ भेटी देवाक जाउछन्ते आउ गोटे पटे आम आपको पूरा तथ्य देखाऊ वर्तमान ये चित्र आप देखते मैसूर कुशलनगर दैर्घ्य जहाँ रही 92 किलोमीटर लंब और ये हूँ बड़ भेटी आउ ए प्रोजेक्ट पर खर्च हो प्राय 4130 कोटी टंका जहाँकि गोटे बड़ भेटी 5 घंटा गस्त आगर लगुला समय किंतु से घंटा को ह्रास कर मात्र 2.5 घंटा लगे बेंगालुरु मैसूर
एक्सप्रेस वे उद्घाटन आज गुड़ाए कार्यक्रम रही। बेंगलुरु महेश्वर गस्त समय प्राय तीन घंटा को बर्तमान 75 मिनिट लगे। बेंगलुरु महेश्वर एक्सप्रेस वे जहां लंब रही 118 किलोमीटर। NH 275 बेंगलुरु निदाघाट एवं मैसूर रोड जहाँपाई प्राय खर्च हो 8,480 कोटी टंका।